हेलो स्टूडेंट दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन मदर्स डे डोरिस गो ऑफ फॉर द वीकेंड वो बोलता है डोरिस कि गो ऑफ़ फॉर द वीकेंड क्या वीकेंड के लिए जा रहा है मिसिस पियर्सन कहती है वाई नॉट क्यों नहीं आई कुड डू विद अ चेंज मैं ऐसा करूँगी क्योंकि मुझे एक क्या चाहिए एक चेंज चाहिए स्टक हेयर डे आफ्टर डे वीक आफ्टर वीक इफ़ आई डोंट नीड अ चेंज हु डज तो वो बोलती है कि स्टक हेयर मैं यहाँ फंसी हुई हूँ दिन प्रतिदिन वीक आफ्टर वीक यानी कि सप्ताह सप्ताह में यहाँ काम करते रहती हूँ बट मेरे जो है वर्क की कोई वैल्यू नहीं है तो वो इस वजह से बोल रही कि मैं यहाँ दिनों दिन काम कर रही हूँ सप्ताह सप्ताह काम कर रही हूँ इफ़ आई डोंट नीड अ चेंज अगर मुझे किसी चेंज की ज़रूरत नहीं है हु डज तो किसे ज़रूरत है डोरिस बट वेयर वुड यू गो हु वुड यू गो विद तो उससे उस बोलता है डोरिस कि तुम कहाँ जाओगी ठीक है और बट वेयर वुड यू गो हु वुड यू गो विद तो वो बोल रही है कि तुम कहाँ जाओगी आप हु वुड यू गो विद तुम्हारे साथ कौन जाएगा ऐसा कौन बोल रही है डोरिस बोल रही है अपनी माँ से मिसिस पियर्सन दैट्स माई बिजनेस ये मेरा बिजनेस है ये यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो तो वो बोल रही है कि दैट्स माई बिज़नेस ये मेरे से जुड़ी बात है तुम्हें तो इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो तुम मुझसे नहीं पूछ सकती कि आपको कहाँ जाना चाहिए एंड हु यू शुड गो विद डू यू उससे बोलती है कि और तुम किसके साथ जा रही हो ये सारे क्वेश्चन तुम उससे नहीं कर सकती हो फिर डॉरिस कह रही है दैट इज डिफरेंट वो बोल रही है कि ये एक अलग बात है मिसेज पियर्सन द ओनली डिफरेंस इज दैट आई एम अ लॉट ओल्डर एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ तो बोल रही है कि द ओनली डिफरेंस कि हम दोनों के बीच में एक ही डिफरेंस है इज दैट आई एम अ लॉट ओल्डर कि मैं क्या हूँ ज्यादा ओल्डर हूँ मैं लॉट ओल्डर हूँ एंड बेटर लेवल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ और मैं अच्छे से अपनी देखभाल कर सकती हूँ सो इट इज़ यू who शुड डू द आस्किंग और तुम हो जो ये सारे क्वेश्चन मुझसे पूछ रही हो Doris, डिड यू फॉल और हिट योर सेल्फ विथ समथिंग तो वो बोल डोरिस बोली कि क्या आप कहीं गिर गई थी या आपने आ, अपने को किसी चीज़ से आप कहीं पे टकराई या ऐसा कुछ हुआ कि आप कहीं पर जाके गिर गई हों और किसी चीज़ से टकरा गई हों क्योंकि उसे क्या लग रहा था डोरिस को कि जो उसकी माँ है उनमें उनकी क्या हो गई मतलब उनमें कुछ चेंज आए चेंज तो आए थे वैसे बट वो सोची थी कि कहीं उनकी माँ कहीं गिर तो नहीं गई या उन्हें कोई चोट तो नहीं आई है जिस वजह से उनकी जो यादाश है वो क्या है चली गई हो या उनके माइंड पर कुछ असर पड़ा हो ऐसा कौन सोच रही है डॉरे सोच रही है मिसेस पियर्सन नो बट आई विल हिट यू विथ समथिंग बट वो बोलती है कि नहीं नहीं मुझे ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है बट आई विल हिट यू बट वो उससे बोलती है कि मैं कौन बोल रही है मिसिस पियर्सन अपनी डॉटर से कह रही है कि मैं तुम्हें मार सकती हूँ विथ समथिंग किसी भी चीज़ से गर्ल इफ़ यू डोंट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चन अगर तुमने ये बेकार से अपने क्वेश्चन पूछने बंद नहीं किए तो मैं तुम्हें ज़रूर मारूंगी डॉरिस स्टेयर्स एट हर ओपन माउथ रेडी टू क्राई और जो डॉरिस है वो अपनी माँ की ओर वहाँ क्या कर रही है स्टेयर कर रही है घूर रही है अपनी माँ को और कैसा है जैसे उसने जब उसकी माँ ने सारी बातें बोली तो वो कैसी सरप्राइज हो गई और वो मुँह खोल के सो जस्ट बिकॉज ऑफ सरप्राइज ही वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ़ हर मदर्स बिहेवियर सी वॉज सरप्राइज वो सरप्राइज थी और उसका मुंह इसी वजह से क्या रह गया था ओपन माउथ रह गया था खुला हुआ रह गया था रेडी टू क्राई और वो रोने को तैयार थी डोरिस ओ दिस इज ऑफुल सी बिगेंस्ट टू क्राई नॉट पैसनेटली जो डोरिस है वो क्या है दिस इज़ ऑफुली मतलब बहुत गलत बात है और उसके बाद वो क्या करती है रोना स्टार्ट कर देती है मिसिस पियर्सन कोहली स्टॉप बबलरिंग उससे बोल रही है कि ये जो है मतलब एक्टिंग करना बंद करो ये है बबलरिंग करना यू आर नॉट अ बेबी तुम क्या हो बेबी नहीं हो इफ़ यू आर ओल्ड इनफ टू गो आउट विद चार्ली स्पेंस तो उससे बोल रही है कि तुम अगर इतनी मतलब इतनी समझदार हो तुम इतनी बड़ी हो कि तुम चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा सकती हो यू आर ओल्ड इनफ टू बिहेव प्रॉपरली तो तुम इतनी भी बड़ी हो चुकी हो कि तुम जब किसी आव, पर्सन के साथ यानी कि चालीस फ्रेंड्स के साथ तुम जब बाहर जा सकती हो घूमने तो तुम्हें क्या है एक आ, जो प्रॉपर बिहेवियर होता है एक गर्ल का तो वो भी तुम्हें आना चाहिए नाउ स्टॉप इट और अब तुम ये जो रोना है ये बंद करो जॉर्ज पियर्सन एंटर्स लेफ्ट और उसी टाइम जब वो मिसेस पियर्सन डोरिस से ये सारी बातें बोल रही होती है उसी टाइम पे जो जॉर्ज फियरसन है वो लेफ्ट की साइड से एंटर करता है ही इज़ अबाउट फिफ्टी और वो क्या है फिफ्टी इयर्स का है फंडामेंटली डिसेंट बट सोलम बट वो क्या है डिसेंट है वैसे तो बट क्या है सोलम भी है वो सेल्फ इम्पोर्टेंट है पोम्पस है और वो कैसा है सेल्फ इम्पोर्टेंट भी पोम्पस पोम्पस में जो दिखावा करते हैं वो ऐसा भी है प्रीफेरेबली ही शुड बी अ हैवी स्लो मूविंग टाइप और वो कैसा है मतलब हैवी है मतलब हेल्दी है वो और ऐसा लगता है जैसे वो क्या है स्लो मूविंग है मतलब जो उसकी चहलकदमी है वो कैसी है स्लो है ही नोटिस डोरिस टर्स और उसी समय वो नोटिस करता है किसके डोरिस के आंसू जॉर्ज हैलो वट इज दिस कान बी एनी थिंग टू क्राई अबाउट तो जॉर्ज वो बोलता है कि हेलो वाट इज दिस ये क्या है कान बी एनी थिंग टू क्राई अबाउट कि मतलब ये तुम क्यों रो रही हो क्या बात है ये डोरिस यू विल सी डॉरिस उससे बोलती है कि यू विल सी आप देखोगे डॉरिस रन आउट लेफ्ट विद अ शॉप और टू ऑन द वे और डॉरिस उसी समय वहाँ से क्या होती है रनस आउट वहाँ से वो बाहर चली जाती है जॉर्ज स्टेयर्स आफ्टर हर अ मोमेंट उसी समय फिर जॉर्ज क्या करता है एक मोमेंट के बाद उसकी ओर घूरता है देन लुक्स एट मिसिस पियरसन और उसके बाद वो मिसिस पियरसन को देखता है जॉर्ज डि शी शे यू विल सी क्या उसने ऐसा बोला कि तुम देखोगे यू विल सी आप देखोगे तो मिसिस पियर्सन यस मिसिस पियर्सन बोलती है यस yes, उसने ऐसा कहा जॉर्ज वट डिट सी मीन जॉर्ज बोलता है फिर कि उसका क्या ये जो उसने बात कही यू विल सी इसका क्या मीनिंग है वो क्या कहना चाह रही थी मिसिस पियर्सन बेटर आस्क हर तो मिसिस पियर्सन बोलती है कि अच्छा होगा कि आप उसी से पूछें जॉर्ज लुक्स स्लोली अगेन ऐट द डोर देन एट मिसिस पियर्सन और वो जॉर्ज क्या देखता है दोबारा से डोर की ओर देखता है और उसके बाद फिर वो मिसिस पियर्सन को देखता है दैन ही नोटिस दैट मिसिज पियरसन रेजेज फॉर अनेदर शिप और उसी समय वो नोटिस करता है जो मिसिस पियरसन के हाथ में क्या है स्टाउट है और वो उसने उसे उठा लिया है ऊपर अनेदर शिप यानी कि अनेदर मतलब एक अगले सिप मीन्स होता है घूट जैसे आप घूट बोलते हैं तो एक अगली घूट लेने के लिए उसने उसका जैसे ही स्टाउट को उसने ऊपर उठाया तो वैसे ही जो जॉर्ज पियर्सन है वो उसे नोटिस कर लेता है His eyes almost bulge. और उसने देखा कि जो उसकी आईज है वो बिल्कुल कैसी हो गई बल्ज हो गई यानी कि वो भी क्या हो गया है सरप्राइज हो गया है जॉर्ज स्टाउट फिर जॉर्ज कहते हैं फिर देखो सरप्राइज होकर बोलता है वो उसे बोलते हैं कि तुम स्टाउट क्यों ड्रिंक कर रही हो किस चीज के लिए कर रही हो मिसेज पियरसन बिकॉज आई फैंसी जो मिसेस पियर्सन है वो क्या आंसर देती हैं कि मुझे क्या है ये पसंद है मैं इसकी इच्छा थी मुझे जॉर्ज एट दिस टाइम ऑफ डे जॉर्ज उससे बोलता है कि इस टाइम दिन के इस टाइम पे मिसेस पियर्सन यस वट रॉन्ग विद इट एट दिस टाइम ऑफ डे तो मिसेस पियर्सन बोलती है क्यों येस yes, इस टाइम पे इस टाइम में क्या है इस टाइम पे पीने में क्या है जॉर्ज नथिंग आई सपोज एनी बट आई हैव नेवर सीन यू डू इट बिफोर बोलता है कि नथिंग नह, कुछ नहीं है आई सपोज मैं तो बस क्या कर रहा था सपोज कर रहा था मैं मान रहा था एनी बट आई हैव नेवर सीन यू डू इट बिफोर बट वो बोलता है कि बट मैंने तुम्हें ये सारी चीज़ें करते हुए पहले कभी नहीं देखा था मिसिस पियर्सन वेल यू आर मी नाउ मिसिस पियर्सन फिर उसे आंसर देती हैं कि वेल पर अब क्या है पर अब तो देख रहे हो ना जॉर्ज विद हैव इट स्टिस्ट येस एंड आई डोंट लाइक इट इट डज़ नॉट लुक राइट आई एम सरप्राइज एट यू उसे बोलते हैं कि आई डोंट लाइक इट मैं ये पसंद नहीं करता हूँ इट डजेंट लुक राइट ये क्या है सही नहीं लग रहा है आई एम सरप्राइ सरप्राइज्ड एट यू वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें देख करके क्या हूँ सरप्राइज हो गया हूँ मिसिस पियर्सन वेल दैट ऑट टू बी अ नाइस चेंज फॉर यू मिसिस पियर्सन बोलता है कि वेल दैट ऑट टू बी अ नाइस चेंज फॉर यू वैसे चलो जो भी है ये तुम्हारे लिए क्या है एक अच्छा चेंज है जॉर्ज वट डू यू मीन ये मिसेज पियर्सन बोलती है वेल दैट ऑट टू बी अ नाइस चेंज फॉर यू कि आपने मतलब आप सरप्राइज हो गए हो ये आपके लिए मतलब एक अच्छा चेंज है चलो आप सरप्राइज तो हुए जॉर्ज वट डू यू मीन क्या मतलब है तुम्हारी बात होगा मिसिज पियर्सन इट मस्ट बी सम टाइम सिंस यू वर सरप्राइज्ड एट मी जॉर्ज कि मतलब कई मतलब कुछ इतना टाइम हो गया था आपको मेरे साथ रहते रहते, रहते पर आप सरप्राइज नहीं हुए थे पर अब आप, आप क्या हो सरप्राइज हो और ये क्या है इट मस्ट बी सम टाइम कि कई मतलब बहुत टाइम बीत चुका था जब से आप मेरे और ध्यान नहीं दे रहे थे या आपको कोई ऐसी बात मुझे मेरे उसमें दिखी नहीं जिससे आप क्या हो सरप्राइज़ हो तो यानी कि अब क्या है वो उसके बिहेवियर से कैसे हो रहा है सरप्राइज हो रहा है जॉर्ज जॉर्ज आई डोंट लाइक सरप्राइजेज सो जॉर्ज कहता है कि आई डोंट लाइक सरप्राइजेज मुझे सरप्राइजेज पसंद नहीं है आई एम ऑल फॉर अ स्टीडी गोइंग ऑन मैं तो क्या हूँ धीरे धीरे चलने वाला एक आदमी हूँ यू ऑट टू नो दैट बाई दिस टाइम बाय द वे आई फॉगोट टू टेल यू दिस मॉर्निंग आई वुड नॉट वॉन्ट एनी थी वो बोल रहे है कि इस वॉर्निंग मतलब में तुम्हें बताना भूल गया था कि मुझे क्या है टी नहीं चाहिए स्पेशल स्नूकर मैच नाइट एट द क्लब टू नाइट क्या है स्नूकर का मैच है ना कब क्लब में टू नाइट को मतलब आज रात को क्लब में स्नूकर का मैच है एंड अबी टू सपर गोइंग सो नो टी तो वो बोल रहा है कि मतलब अब ऑफ सफ़र गोइंग मतलब सफ़र मीन्स होता है भोजन तो वहाँ पे कुछ क्या है खाने की व्यवस्था भी है सो नोटी इसलिए मैं चाय नहीं पीऊँगा मिसिज पियर्सन दैट्स ऑल राइट देअर इज़ नॉट एनी वैसे वो मिसिस पियर्सन बोलती है कि अच्छा ठीक है बट वैसे भी यहाँ पे कोई चाय बनी हुई नहीं थी जॉर्ज यू मीन यू डिड नॉट गेट एनी रेडी तो जॉर्ज बोलता है कि यानी कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने रेडी नहीं की है मिसिज पियर्सन यस एंड अ गुड थिंग टू एज इट इज़ टर्नड आउट वो और मिसिज पियरसन बोलती है कि यस और यही क्या है एक अच्छी बात है जॉर्ज एग्री दैट इज़ ऑल वेरी वेल बट सपोज आई वुड वॉन्टिड सम बट जॉर्ज बोलता है कि चलो ये अच्छी बात है एक बट सपोज़ करो मानो कि अगर मैं ये चाहता तो अगर मैं इस टाइम अगर मुझे टी लेनी होती तो तब क्या होता मिसिस पियर्सन माई गुडनेस लिसन टू द मैन अनॉयड बिकॉज आई डोंट गेट अ टी फॉर हिम दैट ही डज नॉट इवन वॉन्ट इवन ट्राइड दैट एट द क्लब तो उससे बोलती है कि माई गुडनेस ये क्या होती मेरी गुडनेस होती लिसन टू द मैन कि वो बोल रही है कि लिसन टू द मैन एक लिसन टू द मैन एक आदमी को सुनना अनॉयड बिकॉज आई डोंट गेट अ टी फॉर हिम और वो क्या होता एक कैसा होता है अनॉय होता वो हो, नाराज़ होता कि मैंने उसके लिए जो टी है वो रेडी नहीं किए दैट ही डज नॉट इवन वॉन्ट और वो ऐसा नहीं चाहता एवर ट्राइड दैट एट द क्लब जॉर्ज ट्राइड व्हाट एट द क्लब उससे बोलती है मतलब फिर जॉर्ज बोल रहा है जब वो मिसिस पियर्सन है जब उससे बोली कि एवर ट्राइड दैट एट द क्लब तो जॉर्ज बोल रहा है कि ट्राइड व्हाट एट द क्लब कि मुझे क्या ट्राइड करना है क्लब में जाके मैं ट्राइड वट एट द क्लब कि मुझे क्लब में जाके क्या ट्राई करना है मिसेज पियर्सन गोइंग अप टू द बार एंड टेलिंग डैम

और तुम मुझसे बोलोगी मैं इस वजह से नाराज़ हूँ कि आपने मेरे आने से पहले क्या किया है ये पोर्ड नहीं किया यानी कि गिलास भर के नहीं रखा है ट्राई दैट ऑन देम एंड सी व्हाट यू गेट और वो बोलती है कि ट्राई करो उनसे ये बात कह कि आप ट्राई करना वहाँ और फिर देखना कि वो आपसे क्या कहते हैं जॉर्ज आई डोंट नो वट यू आर टॉकिंग अबाउट तो जॉर्ज बोलता है कि आई डोंट नो कि मैं नहीं जानता है कि तुम किसके बारे ये क्या बातें कर रही हो तुम मिसेज पियरसन दे वुड लाव एट यू इवन मोर देन दे डू ना आओ तो मिसिज पियरसन बोलती है कि वो अभी जितना तुम्हारे ऊपर हंसते हैं ना वो उससे कई ज़्यादा वो तुम्हारे ऊपर क्या होंगे हंसेंगे तो ये है ये है मिसिज पियरसन और जॉर्ज के बीच की जो कन्वर्सेशन है हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में